बद्रीनाथ हिंदू धर्म के चार धामों में से एक है, जहां भगवान विष्णु निवास करते हैं। हिंदुओं में पूजा के समय शंख बजाना अनिवार्य होता है, परंतु इस मंदिर में शंख नहीं बजाया जाता। ऐसा माना जाता है कि एक समय पर हिमालय क्षेत्र में असुरों का आतंक था। ऋषि मुनि असुरों से भयभीत होकर अपने आश्रम में पूजा अर्चना भी नहीं कर पाते। यहीं पर एक मंदिर शाड़ेश्वर जी का भी था। शाड़ेश्वर महाराज के मंदिर में जो भी ब्राह्मण पूजा अर्चना के लिए पहुँचते, राक्षस उसे अपना निवाला बना लेते। इसे शाड़ेश्वर महाराज ने अपने भाई अगस्त्य ऋषि से मदद मांगी। अगस्त्य ऋषि शाड़ेश्वर मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करने लगे, लेकिन राक्षसों का उत्पात देखकर वो परेशान हो गए। जब कुछ समझ नहीं आया तो उन्होंने माँ भगवती को याद, जिससे माँ भगवती वहाँ कुष्मांडा देवी के रूप में प्रकट हुई। उन्होंने त्रिशूल और कटार से वहाँ मौजूद समस्त राक्षसों का वहाँ वध कर दिया। परंतु देवी से बचने के लिए आतापी और वातापी नाम के दो राक्षस वहाँ से भाग निकले। आतापी मंताकिनी नदी में छुप गया और वातापी बद्रीनाथ धाम में जाकर शंख में छुप गया। इसके बाद से ही बद्रीनाथ धाम में शंख बजाना वर्जित माना जाता है।